दोस्तों आज दिवाली है और गुल्ली बुल्ली सोन आज अपने घर को काफी अच्छे तरीके से सजाए हुए हैं। और ये क्या सोन तो यहाँ पर रंगोली बना रहा है, तभी अंदर से गुल्ली बुल्ली भी नए नए कपड़े पहनकर बाहर निकलते हैं। और आज तो गुल्ली बुल्ली काफी स्मार्ट लग रहे हैं। गुल्ली बोलता, वो देखो गुल्ली, सोन हमारा रंगोली बना रहा है, चलो देखते हैं कि उसने आखिरकार कैसी रंगोली बनाई है। सोन बोलता, क्या हुआ गुल्ली बुल्ली, तुम मेरी रंगोली को देखकर हंस क्यों रहे हो, ये टट्टी किसने की है। गुल्ली बोलता, सोन आखिरकार तुमने ये क्या बनाया है, मुझे तो कुछ समझ ही में नहीं आ रहा। सोन बोलता, देखो मैंने कितनी अच्छी रंगोली बनाई है, तुम लोग को कैसा लग रहा है। गुल्ली बोलता, ये पिछले साल की रंगोली किसने नहीं मिटाई है, कितना गंदा लग रहा है। सोन बोलता, ये पिछले साल की रंगोली नहीं है बल्कि इसे मैंने अभी बनाया है। गुल्ली बोलता, मुझे तो लग रहा है कि किसी ने तुम्हारे रंगोली पर 4-5 बार किसी ने गाड़ी चढ़ा दिया हो। सोन बोलता है, तुम कुछ ज्यादा ही बोल रहे हो गुल्ली, अगर तुम दोनों ने अपना मुंह बंद नहीं किया तो मैं तुम दोनों को बहुत मारूंगा, और तुम मुझे जानते नहीं हो कि मैं कितना खतरनाक आदमी हूँ। गुल्ली बोलता, बुल्ली सोन कुछ ज्यादा ही बोल रहा है, अगर इसने एक सब्जी बोला तो मैं इसके सारे दांतों को तोड़ दूंगा। गुल्ली की बात सुनकर सोन को गुस्सा आ जाता है और फिर क्या था, दोनों में मारापीटी चालू हो जाती है। और बुल्ली तो इन दोनों की लड़ाई को बड़े मजे से देख रहा है। अभी बुल्ली को किसी का फोन आता है। बुल्ली बोलता, अरे ये तो बाबा का फोन है। बाबा का नाम सुनते ही गुल्ली और सोन अपनी लड़ाई को बंद कर देते हैं। बुल्ली बोलता, हैप्पी दिवाली बाबा। बाबा बोलते हैं, तुम लोग को भी मेरे तरफ से हैप्पी दिवाली। सोन बोलता, बाबा आप मेरे लिए पटाखे जरूर लेकर आइएगा। बाबा बोलते हैं, इसीलिए तो मैंने तुम्हें फोन किया है, मैंने तुम लोगों के लिए बहुत बड़ा पटाखा बनाया है और मैं बस तुम्हारे घर पर थोड़ी ही देर में पहुंचने वाला हूं। ये सुनकर गुल्ली बुल्ली सोन काफी खुश हो जाते हैं। और ये क्या, इधर तो बाबा आ भी चुके हैं। इतना बड़ा पटाखा देखकर गुल्ली बुल्ली सोन काफी खुश हो जाते हैं और दौड़कर बाबा के पास जाते हैं। गुल्ली बोलता, ये तो रॉकेट है और वो भी इतना बड़ा, अगर इस रॉकेट पर बैठकर हम लोग इस रॉकेट को जलाएंगे तो हम लोग तो सीधा चांद पर पहुंच जाएंगे। बाबा बोलते, हाँ गुल्ली तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो और इसीलिए मैंने इसे बनाया है। सोन बोलता, तो इसका मतलब क्या, हम लोग दिवाली मनाने के लिए चांद पर जाने वाले हैं। बाबा बोलते, नहीं सोन, हम लोग दिवाली मनाने के लिए चांद पर नहीं जाने वाले, बल्कि इस रॉकेट में ग्रैनी और ग्रैंडपा को बांधकर आसमान में छोड़ देंगे। ये सुनकर तो गुल्ली बुल्ली सोन काफी खुश हो जाते हैं। बुल्ली बोलता, हाँ बाबा आखिरकार उन दोनों ने हमें बहुत परेशान किया है, अब उन्हें परेशान करने की बारी हमारी। सोन बोलता, तो बाबा अब हम लोग को क्या करना चाहिए। बाबा बोलते, करना क्या है, अभी हम लोग को सीधे ग्रैनी ग्रैंडपा का घर चलना चाहिए क्योंकि इस वक्त ग्रैनी ग्रैंडपा अपने घर पर ही होंगे। जल्दी से जीप में बैठ जाओ, हम लोग को अभी तुरंत ग्रैनी ग्रैंडपा के घर चलना चाहिए। और फिर गुल्ली बुल्ली सोन तीनों गाड़ी में बैठ जाते हैं और ग्रैनी ग्रैंडपा के घर जाने के लिए निकल जाते हैं। गुल्ली बोलता, वाह बाबा आपने तो हमारे दिवाली को काफी मजेदार कर दिया है और ये दिवाली तो हम लोग जिंदगी भर तक नहीं भूलेंगे। बाबा बोलते हैं, मैंने तुम लोगों के लिए कुछ गिफ्ट भी रखा है, गाड़ी के पीछे देखो वहाँ पर कुछ बोतलें रखे हुए होंगे। सोन बोलता, वाह ये तो दारू के बोतलें हैं। गुल्ली बोलता, सोन पर तुम अभी इसे मत पीना क्योंकि हम लोग ग्रैनी ग्रैंडपा के घर जा रहे हैं और तुम्हें तो पता ही है कि ग्रैनी ग्रैंडपा का घर कितना खतरनाक है, हमारी एक गलती हमारी जान ले सकती है। सोन बोलता, मैं ये सब कुछ नहीं जानता, मैं तो इसे अभी ही पीऊंगा क्योंकि बाबा ने ये मेरे लिए लाया है। और फिर सोन दारू को पीने लगता है। बाबा बोलते, उसे पीने दो, जो होगा आगे देख लिया जाएगा। लेकिन दारू पीने के बाद तो सोन काफी नशे में आ चुका है। बुल्ली बोलता, लगता है कि सोन काफी नशे में आ चुका है और इसे कुछ भी बोलना अच्छा नहीं होगा, इसीलिए मैं तो यही बोलूंगा कि तुम लोग चुपचाप ही रहना। लेकिन सोन नशे में बुल्ली के साथ बदतमीजी करने लगता है। गुल्ली बोलता, गुल्ली सोन को समझा दो वरना अच्छा नहीं होगा। बाबा बोलते, सोन अगर तुमने अपनी बदतमीजी बंद नहीं की तो मैं तुम्हें गाड़ी से नीचे फेंक दूंगा। बाबा के डांट सुनकर सोन बिल्कुल चुप हो जाता है और बाबा थोड़ी ही देर में ग्रैनी ग्रैंडपा के घर पर पहुंच जाते हैं। बाबा बोलते, हमें गाड़ी को यहीं पर लगाना होगा क्योंकि मेरे ख्याल से गाड़ी को अंदर ले जाना ठीक नहीं होगा। गुल्ली बोलता, हाँ बाबा आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, हमें गाड़ी और सोन को दोनों को यहीं छोड़ना होगा क्योंकि सोन काफी नशे में है और वो आगे चलकर कुछ गड़बड़ भी कर सकता है। तो ठीक है गुल्ली बुल्ली, तुम दोनों मेरे साथ चलो। और फिर गुल्ली बुल्ली बाबा के पीछे पीछे ग्रैनी और ग्रैंडपा के घर की तरफ जाने लगते हैं। ग्रैंडपा, ग्रैंडपा, जल्दी घर से बाहर आओ। हाँ ग्रैनी, बोलो क्या हुआ। आज दिवाली है और दिया जलाने में मेरी मदद करो। अपना मुंह बंद कर बुढ़िया, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं करने वाला और तू आज मुझे बढ़िया बढ़िया मिठाई बनाकर खिलाएगी वरना मैं तुम्हारे हड्डियों को तोड़ दूंगा। ये सब नजारा गुल्ली बुल्ली और बाबा झाड़ियों में से छिपकर देख ही रहे होते हैं, तभी वहां पर कोई आ जाता है। अरे ये तो जेसन है और ये आखिरकार यहाँ पर क्या कर रहा है। बाबा बोलते हैं, जेसन के होते हुए हम लोग ग्रैनी ग्रैंडमा को हाथ नहीं लगा सकते,
इसीलिए हमें जेसन के जाने का इंतजार करना होगा। अरे वाह जेसन बेटा, मेरे लिए क्या लाए हो? ग्रैंडपा, आज दिवाली है इसीलिए मैं तुम्हारे लिए कुछ मिठाइयाँ लाया हूँ। वो तीनों बात कर ही रहे होते हैं तभी सोन अपने गाड़ी से नीचे उतर जाता है और दारू के नशे में ग्रैनी ग्रैंडपा की तरफ जाने लगता है। गुल्ली बोलता, बाबा जरा उधर देखो, सोन तो ग्रैनी ग्रैंडपा की तरफ जा रहा है, हमें उसे वहाँ पर जाने से रोकना चाहिए। बाबा बोलते, नहीं गुल्ली, ये समय जोश से नहीं बल्कि होश से काम लेने का है, हमारी एक गलती हमारी जान ले सकती है। सोन दारू के नशे में ग्रैनी के घर के अंदर चला जाता है और ग्रैनी ग्रैंडपा और जेसन सोन को ही देख रहे हैं। अरे ग्रैनी, लगता है कि हमारे बिरयानी का इंतजाम हो गया। और फिर ग्रैनी ग्रैंडपा और जेसन घर के अंदर चले जाते हैं। गुल्ली बोलता, बाबा जल्दी कुछ सोचिए नहीं तो वो तीनों सोन का बिरयानी बना देंगे। बाबा बोलते, हम लोग इसके घर के अंदर इस दरवाजे से नहीं जा सकते, हमें इसके घर के अंदर घुसने के लिए कोई दूसरा रास्ता खोजना होगा और सोन को बचाकर यहाँ से चुपचाप निकल जाना होगा। गुल्ली बोलता, वो देखिए बाबा, सीढ़ी पर से छत पर जाने का एक रास्ता है, क्यों ना हम लोग इसी सीढ़ी से सोन को बचाने के लिए इस घर के अंदर जाते हैं। बाबा बोलते, हाँ गुल्ली तुम बिल्कुल सही बोल रही हो, अब जल्दी से मेरे पीछे आओ, हमारे पास समय बहुत कम है। बाबा बोलते, गुल्ली तुम यहीं पर आना, तब तक हम और गुल्ली अंदर जाकर सोन को बाहर लेकर आते हैं, तब तक तुम यहाँ पर ध्यान रखना कि सीढ़ी से कोई ऊपर ना आए। गुल्ली बोलता, ठीक है बाबा आप अंदर जाइए, बाहर का मैं संभाल लूंगा। और फिर बाबा और गुल्ली छत से अंदर चले जाते हैं। बाबा बोलते हैं, गुल्ली तुम जला सभी आवाज मत करना वरना वो तीनों सोन के साथ साथ हमारी भी बिरयानी बना देंगे। गुल्ली बोलता, बाबा आवाज तो होकर ही रहेगी। बाबा बोलते, वो कैसे गुल्ली? अरे ये गुल्ली ने क्या कर दिया, अब ग्रैनी ग्रैंडपा और जेसन तो इधर ही आ रहे हैं। I see you. You want to play hide and seek? अरे ये क्या, बाबा और गुल्ली कहाँ चले गए, ये दोनों तो पलंग के नीचे छिपे हुए हैं। बाबा बोलते, गुल्ली अभी हमारी जान जाते जाते बची है, अब की बार तुम कुछ भी ऐसी गलती मत करना जिसके कारण हम दोनों मुसीबत में पड़ जाए। गुल्ली बोलता, ठीक है बाबा अब की बार मैं ध्यान रखूंगा। और एक बार फिर से बाबा और गुल्ली सोन को ढूंढने के लिए घर के नीचे चले जाते हैं। बाबा बोलते, यहाँ पर तो कोई भी नहीं है, पता नहीं ये लोग कहाँ चले गए और हमारा सोन पता नहीं किस हाल में होगा। गुल्ली बोलता, बाबा चलिए अब हम लोग दूसरे कमरे में देखते हैं। लेकिन ये क्या, गुल्ली बुली और जेसन ने तो इन दोनों को देख लिया है। Run. ग्रैंडपा बोलते हैं, देखते हैं ये दोनों कहां तक भागते हैं। जेसन तुम घर के बाहर चले जाओ और वहां से ध्यान देना इस घर से कोई बाहर ना भागे। जेसन अपना सर हिलाता है और घर के बाहर चला जाता है। लेकिन बाबा और गुल्ली तो भाग कर इस घर के बेसमेंट में आ चुके हैं। गुल्ली बोलता, बाबा देखिए उस तरफ से कुछ आवाजें आ रही है। अरे ये तो सोन है। गुल्ली बोलता, सोन अब हम लोग से बिना पूछे हुए इधर उधर मत जाना, तुम्हें पता है कि तुम्हारे कारण हम लोग कितने परेशान हो गए थे, अब की बार से हम लोग से बिना पूछे हुए इधर उधर मत जाना। बाबा बोलते, अब हमें ज्यादा देर तक यहाँ पर नहीं रुकना चाहिए क्योंकि कभी भी ग्रैनी ग्रैंडपा और जेसन यहाँ पर आ सकते हैं। गुल्ली बोलता, हाँ बाबा अब बिल्कुल सही बोल रहे हैं, चलिए अब जल्दी से हम लोग यहाँ से भागते हैं। और फिर गुल्ली सोन और बाबा इस घर के बाहर जाने लगते हैं। अब इन लोगों के सामने एक बहुत बड़ी मुसीबत आ चुकी है क्योंकि ये दरवाजा तो पूरी तरीके से लॉक है। गुल्ली बोलता, बाबा अब हम लोग क्या करेंगे? बाबा बोलते, करना क्या है अब एक्शन होगा। बाबा एक बार में ही वो दरवाजा तोड़ देते हैं। लेकिन दरवाजा तोड़ने की आवाज ग्रैनी ग्रैंडपा सुन चुके हैं और ये इधर ही आ रहे हैं। और घर के बाहर तो जेसन भी है। बाबा बोलते, अब किसी भी वक्त वो लोग यहाँ पर आ सकते हैं, अब हमें जल्दी से यहाँ से भागना होगा। लेकिन बाहर जाने के बाद ये लोग देखते हैं कि गुल्ली अकेले ही जेसन को मारकर यहाँ पर लेटा दिया है। जेसन को ऐसी हालत में देखकर बाबा, गुल्ली और सोन ये तीनों काफी खुश हो जाते हैं। गुल्ली बोलता, वाह गुल्ली तुमने तो जेसन को अकेले ही संभाल लिया। और अब पीछे से ग्रैनी और ग्रैंडपा भी आ चुके हैं। बाबा बोलते हैं, जेसन तो निपट गया, अब इन दोनों को हम लोग निपटा लेते हैं। ग्रैंडपा बोलते, तुम लोग करने क्या वाले हो? अरे ये क्या, बाबा ने तो ग्रैनी और ग्रैंडपा दोनों को रॉकेट में बांध दिया है। और ये देखकर गुल्ली बुली और सोन तो काफी उछल रहे हैं।
सोन बोलता, जल्दी बाबा अब इस रॉकेट को आसमान में फायर कर दो और इन दोनों को चांद पर पहुंचा दो। बाबा रिमोट निकालते हैं और रिमोट से बटन दबाते ही वो रॉकेट आसमान में फायर हो जाता है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए और आप भी सब्सक्राइब का बटन दबाकर गुल्ली बुली सोन को भी चांद पर पहुंचा दीजिए। तो आइए देखते हैं कि आखिरकार ग्रैनी ग्रैंड पर चांद पर क्या कर रहे हैं। अरे ग्रैनी जल्दी देखो, वहां पर एक एलियन हमारे तरफ ही आ रहा है, भागो यहां से। पापी पा लाइक और सब्सक्राइब करो। तुम सभी को भी हैप्पी दिवाली।